दोस्तों आज हम बात करेंगे एस्कॉर्ट 355 के बारे में। आखिरकार एस्कॉर्ट 355 बंद क्यों हो गया? इस एस्कॉर्ट कंपनी का सबसे पावरफुल और कामयाब ट्रैक्टर बाजार में पकड़ क्यों नहीं बना पाया? लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल ओकापी व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साल 1986 का समय था जब भारत में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर 355 लॉन्च किया गया था। उस समय इसके मुकाबले के ट्रैक्टर स्वराज 855 और महिंद्रा का 575 ट्रैक्टर था। महिंद्रा का 575 ट्रैक्टर पावर में इस एस्कॉर्ट 355 ट्रैक्टर से काफी पीछे था। वहीं दूसरी ओर स्वराज 855 इसे कड़ी टक्कर दे रहा था। तो बात करते हैं 1990 के आसपास के मॉडल की। एस्कॉर्ट 355 और स्वराज 855 के मध्य क्या ऐसी समानता थी जिसके कारण यह एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, और ऐसा क्या रहा कि एस्कॉर्ट 355 बाजार से एकाएक गायब हो गया? यदि इन दोनों के इंजन के बारे में बात करें तो एस्कॉर्ट 355 में 47 HP का इंजन मिलता था 3400 cc के साथ, जबकि स्वराज 855 के अंदर 52 HP का इंजन मिलता था जो की 3307 cc का था। तो दोस्तों सीसी के मामले में, पावर के मामले में एस्कॉर्ट 355 स्वराज 855 से आगे था। एस्कॉर्ट 355 का पुलिंग सिस्टम अर्थात खींचने की क्षमता स्वराज ट्रैक्टर से ज्यादा थी। अब बात करते हैं दोनों ट्रैक्टर के गियर बॉक्स के बारे में। दोनों ट्रैक्टर में 6 गियर आगे के और 2 गियर पीछे के मिल जाते थे। दोनों में स्लाइडिंग में गियर मिलते थे। दोस्तों अब बात करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम की। एस्कॉर्ट 355 की लिफ्ट कैपेसिटी 1000 kg की, जबकि स्वराज 855 की लिफ्ट कैपेसिटी 1500 kg थी। इस प्रकार दोस्तों हाइड्रोलिक्स के सिस्टम में स्वराज एस्कॉर्ट से आगे था। इसके बाद बात करते हैं ट्रैक्टर के स्टेयरिंग के बारे में। उस समय 1990 के आसपास में सादी स्टेयरिंग ही चलती थी, जबकि स्वराज में सिंगल आर्म स्टेयरिंग थी जिसकी कटाई बहुत ही आसान थी, जबकि एस्कॉर्ट में स्टेयरिंग की कटाई दोनों तरफ से होती थी जिसके कारण एस्कॉर्ट की स्टेयरिंग कटाई थोड़ी टाइट रहती थी। इस प्रकार स्वराज ट्रैक्टर एस्कॉर्ट से स्टेयरिंग के मामले में भी काफी अच्छा था। स्वराज 855 डबल कल्च के साथ में आता था, जबकि एस्कॉर्ट 355 सिंगल कल्च के साथ में आता था। लेकिन उस समय सिंगल कल्च डबल कल्च का कोई ज्यादा काम नहीं था, लेकिन आज के समय में सिंगल कल्च डबल कल्च का बहुत ज्यादा महत्व है। 1991-92 के आते आते एस्कॉर्ट 355 ट्रैक्टर को दोबारा मॉडिफाइड करके बाजार में लॉन्च किया गया, जिसे कि मारुति मॉडल कहते हैं। मारुति मॉडल ट्रैक्टर का लुक तो बहुत अच्छा था, गियर बॉक्स भी चेंज किया गया था। इसमें 10 आगे के गियर मिलते थे और 2 पीछे के गियर मिलते थे। इस मारुति मॉडल ट्रैक्टर की टॉप स्पीड भी 34 किलोमीटर के आसपास थी, लेकिन सही मायने में इस ट्रैक्टर में कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया था। हाइड्रोलिक्स भी वही सेम थी और सिंगल कल्च के साथ में ही यह ट्रैक्टर आता था, जिस कारण एस्कॉर्ट का यह ट्रैक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया और बाजार में नहीं चल पाया। एस्कॉर्ट 355 में कमियां जरूर थी, लेकिन वास्तव में यह ट्रैक्टर बहुत पावरफुल था, क्योंकि जिन किसानों के पास आज भी यह ट्रैक्टर है वह किसान इसकी परफॉर्मेंस से काफी खुश है और वह ट्रैक्टर को बेच नहीं रहे हैं। तो हमारा एस्कॉर्ट कंपनी से यही फीडबैक है कि एस्कॉर्ट 355 को दोबारा लॉन्च करें और ट्रैक्टर को अपडेटेड सिस्टम के साथ में रिवर्स पीटीओ, मल्टी स्पीड पीटीओ और वही 47 HP इंजन के साथ में इस ट्रैक्टर को लॉन्च करें, क्योंकि यह इंजन बहुत पावरफुल था। हमारी कंपनी से यही मांग है कि कंपनी वही मारुति मॉडल और पुराने मॉडल में एस्कॉर्ट 355 को दोबारा लॉन्च करे और 8 गियर और 15 गियर सिस्टम दोनों के विकल्प में यह ट्रैक्टर लॉन्च करे। कंपनी इस ट्रैक्टर को पावर ट्रैक 355 के रूप में भी बाजार में उतार सकती है, क्योंकि पावर ट्रैक की मार्केटिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल ओकापी व्लॉग्स जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।